हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 70% उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? जो भी परीक्षार्थी होंगे वो अपने आप में कितने रहे होंगे? 100%। जितने बच्चों ने परीक्षा दी होगी वो अपने आप में 100% होंगे। अब 100% में से क्या हुआ है, 70% पास हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास होना। जब 70% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे भाई? 30% फेल हुए होंगे। फेल का मतलब अनुत्तीर्ण हुए होंगे। अब हमसे अनुत्तीर्ण की संख्या दे रखी है 420। अनुत्तीर्ण प्रतिशत में कितनी है? 30, और रियल में कितनी है? 420। यानी कि 30% बराबर 420। हमसे कुल संख्या पूछी गई है कितनी है, यानी कि 100% का मान। तो कैसे निकालेंगे? इस 420 में इस 30 से डिवाइड कर दो, और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 से तो चला जाएगा ये 0, 3 से कटा दूंगा, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, और 14 का मल पे 100 में कर दो तो 1400। सवाल खत्म। 1400 दिया गया है सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। कुल संख्या कितनी है परीक्षार्थियों की? 1400। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, यदि चीनी पर उतना खर्च बढ़ाना ना चाहें तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी? कमी प्रतिशत पूछा है, कमी प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे। आप पहले मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। R की वैल्यू कितनी है आपके पास? 25। 100 में जोड़ेंगे R की वैल्यू, R की वैल्यू 25 है, तो 100 में 25 जोड़ेंगे 125 गुणे 100। 25 से 125 पांच बार में कटेगा, और 5 से 100 20 बार में कटेगा। जो कमी हम करेंगे ना वो 20% की करेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमने देखा था उसमें कमी प्रतिशत था, इसमें वृद्धि प्रतिशत है, ठीक है। इसमें क्या होगा? वृद्धि। अब सवाल वृद्धि का हो चाहे कमी का, एक ही डिफरेंस है। पहले मैंने वृद्धि का देख लिया, कमी का देख लिया, अब वृद्धि हम निकाल लें, ठीक है। वृद्धि प्रतिशत हम निकाल लें, तो आर लिखेंगे बटे में 100 माइनस R गुने 100। यही फॉर्मूला मैंने कमी वाले में बताया। फर्क सिर्फ इतना है कि कमी वाले में यहां प्लस करते हैं और वृद्धि वाले में यहां माइनस करते हैं, बस इतना फर्क है। कितना आर की वैल्यू आपके पास? 25 है, तो 25 लिख लो। 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 गुने 100। 25 से 75 तीन बार में कट जाएगा, और 3 से 100 को कटाऊंगा तो 33.1% आ जाएगा। सवाल खत्म। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 136 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 17 गुने 13 103 माइनस 85 गुने 62 प्लस 145 डिवाइडेड बाई 23। इसको सरल करना है। अगर मैं सबसे पहले 17 से 136 में डिवाइड दूं तो ये 8 बार जाएगा, तो इसका पूरे का मान 8 आ गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस ले लो। 13 का और 17 का अगर मैं गुना करूंगा तो 221 आएगा, इसका पूरे का मान भी मैंने लिख लिया। अब माइनस का साइन है, माइनस ले लो। 103 में से अगर मैं 85 को घटा दूंगा तो 18 बचेगा, तो इसका मान भी मेरे पास 18 आ गया। अब गुना का साइन है, गुना ले लो। अगर मैं 62 में 145 जोड़ता हूं तो ये 207 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक करने के बाद में डिवाइड में दे रखा है 23, डिवाइड में कितना भाई? 23। ये है प्रश्न। अब प्लस और माइनस पहले कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चाहे पहले कटा लो, कुछ भी कर लो। अगर मैं 23 से सीधा सीधा 207 को कटा दूं तो ये 9 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं? अब 9 का गुना 18 से कर दो, और 8 प्लस ये 221 कर लो, 8 प्लस 221 कर लो, बीच में साइन माइनस का है, 9 गुने 18 कर लो, 18 गुने 9 कर लो। यही तो है सवाल। अभी कोड मास के अकॉर्डिंग पहले आप क्या करोगे, गुना करोगे। 18 निम्न 162 होता है, माइनस 8 प्लस 221। अब 8 प्लस 221 को आप जोड़ लीजिए और माइनस कर दो उसमें से 162, तो आपके पास आंसर बचेगा 67। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। सभी को क्लियर है ना प्रश्न? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो ट्रकों की गति का अनुपात 14:17 है, तो पहला ट्रक 7 घंटों में 490 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब दूसरे ट्रक की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? बहुत अच्छा सवाल है,
बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में आते हैं। आपके पास दो ट्रक हैं, एक पहला ट्रक ही हो गया, दूसरा ट्रक ही हो गया, दोनों का अनुपात दिया गया है 14:17, यही तो है अनुपात। अब बोला गया है पहला ट्रक, कौन सा पहला ट्रक, 7 घंटों में 490 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, कौन सा ट्रक, पहला ट्रक, पहला ट्रक जो है 7 घंटों में 490 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, तब दूसरे ट्रक की गति क्या रहेगी, हमसे प्रश्न में जो बोला गया है हमें बस उतना ही काम करना है, उससे ज्यादा हमें नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा काम करने की तो जरूरत है ही नहीं। अगर आप चाहो तो इस प्रश्न को ऑप्शन से भी कर सकते हो या विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा हमसे बोला है पहला ट्रक 7 घंटों में 490 किलोमीटर जा रहा है, पहला ट्रक, तो किलोमीटर प्रति घंटे में गति क्या है। अच्छा सवाल है, चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही तो फॉर्मूला होता है। अब दूरी हमारे पास कितनी है, 490 की है, समय हमारे पास कितना है, भाई समय की अगर हम बात करें तो समय हमारे पास 7 घंटे का है, तो 7 से मैं यहां कटा दूंगा, 7 × 7 = 49 और 1 = 0 = 70, तो चाल हमारी कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो चाल है, ये हमारे पास जो चाल है ना, ये पहले वाले की है, हमसे पूछ रहा है दूसरे ट्रक की गति, ये 70 तो आपको ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। अब इस 70 से यानी कि इस पहले की चाल से दूसरी चाल निकाल लोगे, पहले ट्रक की चाल कितनी है 70, दूसरे ट्रक की बतानी है तो दूसरे ट्रक की कितनी है 17, और बटे में पहले ट्रक की कितनी है 14। अब इससे सरल कर लो आप, आंसर आ जाएगा 14×5 = 70, 17×5 = 85, तो दूसरे ट्रक की जो चाल है वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब। सबसे पहले तो हमने पहले ट्रक की निकाल ली, 70 है, अब दूसरे की निकालनी है तो दूसरे ट्रक का जो अनुपात है उससे मल्टीप्लाई करो और पहले ट्रक के अनुपात से डिवाइड करो, सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पाइप ए एक टैंक को 4 घंटों में भर सकता है, पाइप बी इसे 6 घंटों में भर सकता है, यदि वे बारी बारी से प्रत्येक घंटे पर खोले जाए और पाइप ए पहले खोला जाए तो कितने घंटों में टैंक पूरा भर जाएगा। पाइप ए 4 घंटे में भर रहा है, पाइप बी 6 घंटे में भर रहा है, दोनों को मिला लो 4 × 6 = 12, यानी कि जो टैंक है वो 12 लीटर का है, 4 से कटाएंगे 12 को 3 बार में, 6 से कटाएंगे 2 बार में, यानी कि ए हमारा 1 घंटे में 4 भरेगा, बी 1 घंटे में 2 भरेगा, लेकिन हमसे बारी बारी में खोले के कह रहा है, पहले ए खोला जाएगा, वो अपना 3 लीटर भरेगा और चला जाएगा, फिर दूसरे घंटे में बी खोलेगा, बी 1 घंटे में 2 भर रहा है चला जाएगा, ठीक है, फिर कौन भरेगा, फिर ए आएगा अपना 3 भरेगा चला जाएगा, फिर बी आएगा बी अपना 2 भरेगा चला जाएगा। टैंक हमारा कितने का था, 12 लीटर का था ना, कितना भर गया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में भरा कितना, 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 10 भर गया, 4 घंटे में कितना भर गया 10। अब कौन आएगा भरने के लिए, अब ए ही तो आएगा भाई, कौन आएगा, ए आएगा, 5वें घंटे में कौन आएगा, ए आएगा, बचा कितना भरने के लिए 2, और ए भरता कितना है, ए भरता है हमारा 3, तो 1, 2, 3, 4 यहां तक कितने घंटे लगे हमें, 4 घंटे लगे, और 4 घंटे में कितना भर गया, 12 में से 10 भर गया, 2 बचा है, कितना बचा है भरने के लिए 2। अब इस 2 को भरने के लिए कौन आए, ए आएगा, और ए भरता कितना एक दिन में 3, तो ए का मान 3, तो 4×2/3, 4×2/3 थर्ड ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि पी अनुपाते 18 समानुपाते 5:3 हो तो पी का मान बताओ। ऐसा नंबर, ऐसा क्वेश्चन आपने नंबर एनालॉजी के सवाल में देखा होगा, लेकिन गणित में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। सवाल है पी अनुपाते 18 समानुपाते 5:3, कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या है, ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट है उसका मल्टीप्लाई आपको लास्ट से करना है, और जो अंदर अंदर वाली संख्या उनका मल्टीप्लाई आपको अलग करना है, इस तरीके से इस सवाल को किया जाता है। तो पी का गुना मैं 3 से करूंगा तो ये P3 हो जाएगा, बराबर 18 का मैं 5 से करूंगा, 18×5 = 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से 90 30 टाइम में कटेगा, ये क्या बचा P, तो P का मान हमारा कितना आ गया 30, सवाल खत्म। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर से एक वही रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को शेयर कर दिया करें उन बच्चों के पास तक जो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते तैयारी करने, घर पे रह के तैयारी करते हैं, तो उन तक वीडियो को पहुंचा दोगे, शेयर कर दोगे तो उनकी मदद हो जाएगी, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।